हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर धातु और अधातु से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी भी आया दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको ये क्वेश्चन याद होते चला जाएगा। दोस्तों, तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा इसका राइट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोल्ड। देखिए, गोल्ड यहाँ पे जो है वो संयुक्त अवस्था के धातु है, और बाकी जो है दोस्तों तांबा, जिंक और पोटासियम, ये सब मुक्त अवस्था के धातुएं हैं। और ये सब धातुएं जो है ऑक्सीजन, जल वाष्प आदि से अभिक्रिया आसानी से कर लेता है। और ये गोल्ड एक ऐसा यहाँ पे धातु है दोस्तों जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, और ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो दोस्तों, सोना और चांदी जो होते हैं विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चांदी ए जी, जो कि बी ऑप्शन में है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉपर भी, एल्युमिनियम और आयरन, ये भी विद्युत के सुचालक है दोस्तों, लेकिन सर्वोत्तम सुचालक का बात किया जाए तो ये हो जाएगा चांदी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन पे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बॉक्साइट बॉक्साइट अयस्क का धातु है दोस्तों, ठीक है ना। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क का धातु है, यानी एल्युमिनियम बॉक्साइट का मुख्य अयस्क होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो देखिए, आयरन धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, और ये एंटीमनी है दोस्तों। एस भी क्या है? एंटीमनी है, जो एक उपधातु है दोस्तों। तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 24 कैरेट। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल क्या है? पीतल है, मतलब पीतल क्या है? धातु है? गलत, धातु बिल्कुल नहीं है। अधातु है, ये भी गलत, अधातु भी नहीं है। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्तों। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों, चाकू से काटा जाता है सोडियम को, ठीक है दोस्तों, पोटेशियम को, लिथियम को। ये तीन ऐसा धातु है दोस्तों जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने पर दोस्तों लिथियम मेरा सही आंसर है दोस्तों। अगर लिथियम ना रह करके सोडियम रहता तो हम सोडियम में टिक लगाते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोटेशियम में भी लगा सकते थे अगर रहता तो। अब अगला क्वेश्चन में है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो वैसे यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। यहाँ पे मीथेन जो है सो दोस्तों CH4, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा।
कैल्शियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। कैल्शियम क्या करेगा दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के पास बाहरी कक्षा में, ठीक है दोस्तों, और क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। तो एक क्या करेगा, कैल्शियम इस क्लोरीन को दे देगा, लेकिन यहाँ पे सॉरी क्लोरीन का 2 परमाणु है दोस्तों, तो एक परमाणु इधर से आएगा दोस्तों, इसके पास भी 7 है, तो कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु को देगा। इस तरीका से कैल्शियम पर दोस्तों 2+ आयन आएगा, और क्लोरीन पे दोस्तों यहाँ पे 2 क्लोरीन है दोस्तों, कितना है, 2 क्लोरीन है, और दोनों पर 1 माइनस आयन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 माइनस आयन आएगा और यहाँ पे निर्माण होगा कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा, यानी ऑप्शन मेरा सी सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन अधातु है, कौन अधातु है। देखिए आयरन जो है ये धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोना और हम धातु है, और कार्बन दोस्तों, कार्बन वो अधातु है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सक्रियता सीरीन में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं दोस्तों, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है दोस्तों। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु परमाणु बनाते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु परमाणु धनायन बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में बताया था, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों वो क्षारकीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए चुंबकीय अशुद्धि को दूर, नाम में भी स्पष्ट, चुंबकीय आंसर हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण दोस्तों, क्या हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है दोस्तों, हाथ से चुनकर गुरुत्वीय पृथक्करण होता है, और फिर प्लावन ये सल्फाइड एस के लिए होता है, तो ये सब दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड एस के सांद्रण के लिए, सल्फाइड एस के सांद्रण के लिए कौन सा विधि का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया सल्फाइड एस्क फेन प्लावन के द्वारा होता है दोस्तों, फेन प्लावन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं दोस्तों, एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है यहाँ पे दोस्तों वो है मैगनीनियम, मैगलियम दोस्तों, क्या है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कॉपर पाइराइट से इसका सही आंसर है, कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधातु परमाणु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। किसी अधातु परमाणु के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, अथवा 5 होते हैं, अथवा 6 होते हैं, अथवा 7 होते हैं, या 8 अक्रिय गैस वाला अधातु जो होते हैं। ये हो गया दोस्तों, बाहरी कक्षा में जब इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो हो जाएगा अधातु, क्या हो जाएगा दोस्तों, अधातु, और बाहरी कक्षा में जब 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हो जाएगा वो धातु, क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग और ऑप्शन में देखते हैं तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, साधारण गंधक किस आण्विक रूप में पाया जाता है। तो साधारण गंधक जो होता है S8 के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस का आण्विक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का आण्विक सूत्र P4 होता है दोस्तों, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। सोना निम्नलिखित में से किस ध्रुव में घुल जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि सोना जो होता है और प्लेटिनम जो होता है दोस्तों, सोना और प्लेटिनम
ये अम्ल राज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्ल राज में घुल जाता है। अम्ल राज कैसे बनता है दोस्तों? तो अम्ल राज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिलाने पर अम्ल राज का निर्माण होता है, और अम्ल राज में सोना और प्लेटिनम धातु घुल जाता है दोस्तों। तो यानी सोना किस द्रव में घुलता है? तो हो जाएगा अम्ल राज। याद रखिएगा 3:1 HCl और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल सांद्र। अगला देखिए, कौन सा अधातु द्रव के रूप में होता है कमरे के ताप पर? तो याद होना चाहिए धातु, कौन सा धातु, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अधातु है, अधातु वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन होगा इसका राइट आंसर। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। अब पारा जो है दोस्तों Hg, ये है धातु, ये भी द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये धातु है दोस्तों, आपको याद रखना है मेरे भाइयों। आगे देख लेते हैं, सीसा और टीन किसके मिश्र धातु है, या सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, सोल्डर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जितने भी तत्व दिए गए हैं सब हाइड्रोजन के नीचे है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इस सिचुएशन में कॉपर सबसे ऊपर है दोस्तों, कॉपर सबसे ऊपर है, इसके बाद HG, AG और AU। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु है मेरा, तत्व है, वो अधिक क्रियाशील है, और क्रियाशीलता जो जो ऊपर जाते हैं तो बढ़ता चला जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटासियम है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो आपको याद रखना है, श्वेत फास्फोरस जो है अति अति ज्वलनशील है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, हो जाएगा इसका आंसर एनोड। अशुद्ध धातु का हम एनोड बनाते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया पोटासियम सबसे अधिक है दोस्तों, तो आंसर पोटासियम होगा। वल्कनीकरण, वल्कनीजेशन प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से किसको मिलाया जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा साधारण नमक, क्योंकि साधारण नमक NaCl को मिलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बना सकते हैं? तो आपको याद रखना है, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर बोर्ड से बाहर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर मरकरी पारा, क्या चीज, पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में, वही ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो याद रखनी है, एल्युमिनियम धातु बॉक्साइट अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है। नेक्स्ट, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना, धातु मल कहलाता है। भर्जन एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये अपरूपता कहलाती है दोस्तों।
दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, यदि जैसे कि ये टॉपिक है भर्जन, प्रगलन, द्रावक, अपरूपता, समयवता, समरूपता, उभयधर्मिता, ये सबका डिटेल आपको चाहिए, अच्छे से समझना है, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के VBI क्वेश्चन का सीरीज चैप्टर वाइज इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा दोस्तों, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी VBI है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए VBI क्वेश्चन का सीरीज लाता रहूंगा और आप लोग इसका अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो रही होगी या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही होगी तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, नंबर भी दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। करा, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ये मेरा सही आंसर है, और धातुओं की प्रकृति ऋणात्मक होती है, आयन उदासीन हो जाते हैं, आयन उदासीन नहीं, उदासीन क्या होते हैं, जब इनर्ट गैस हो गया, मतलब वो जब रिएक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान हो जाता है तब वो उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोहा एक एवं इस्पात जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंक, जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लेवेनिकरण कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है दोस्तों? तो जिप्सम को गर्म करते हैं, कितना, तो याद रखिएगा, जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है दोस्तों। नेक्स्ट, अभिक्रियाशीलता के इस श्रेणी में कौन सही है दोस्तों? तो आपको याद रखना है पोटेशियम, इस तरीका से आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, और मैग्नीशियम जो है मेरा, मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरॉन, लोहा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा एकारेजिया, क्या लिखा हुआ, एकारेजिया, शब्द को ध्यान से देखिए, इसको रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, थोड़ा देर पहले मैंने बताया, इसका एक नाम मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों के बीच, इसी का नाम है अम्लराज। क्या नाम है दोस्तों? अम्लराज। क्या नाम है? अम्लराज, आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, अम्लराज जो है इसी को एकारेजिया या रॉयल जल, एकारेजिया या रॉयल जल, ठीक है ना, HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिश्रण होता है, तब जाके बनता है अम्लराज, रॉयल जल अथवा एकारेजिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में देख लेते हैं, मेरा सी आंसर सही है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, क्या होती है? तो चमकदार होती है धातु की सतह। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं दोस्तों तन्यता, धातु को खींच खींच के लंबा से लंबा तार बनाते हैं। सोना जब लेते हैं 1 ग्राम, इसको खींचते हैं 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है, याद रखिएगा। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बना जाता, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सोनोरस, ध्वनिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा मेरा आंसर सोना, सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु होते हैं जो चमकीला होता, अधातु की बात हो रही है और चमकीला की बात हो रही है, तो यहाँ पे अधातु में बात करेंगे तो ब्रोमीन
नहीं, ब्रोमीन नहीं, आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है तो आपको याद रखना है, हीरा। क्या है? हीरा। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है दोस्तों, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यहाँ पहले कब आया? थोडीकरण, एक्चुअली होना चाहिए एनोडीकरण, ऐसा भी हम बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो अभी तक मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मन लगा करके, जुनून के साथ पढ़ते रहिए ताकि आप अच्छा भविष्य में कीजिएगा दोस्तों, अच्छा मार्क्स उठाइएगा जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच।